नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक बंगला भूत की कहानी, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। यह कहानी मैंने जब्बर भूतेर गल्पों से लिया है। इस कहानी का नाम है सहयात्री। सोदपुर में एक शादी का निमंत्रण था, जिससे निकलते निकलते सूर्यजीत को बहुत रात हो गई। जब वह सियालदा स्टेशन पर पहुंचा, उस समय घड़ी रात के 11 बजा रही थी। रात का 11 बजे सोचते ही अचानक उसके शरीर में झुरझुरी सी उठ गई, क्योंकि लोखीकांतपुर की लास्ट ट्रेन भी ठीक 11 बजे की ही थी, और अगर यह ट्रेन निकल गई तो सारा रात स्टेशन पर बैठ कर गुजारनी पड़ेगी। दिसंबर की सर्दी और सर्दी की रात स्टेशन पर अकेले बिताना सोचकर ही सुरजीत कांप गया और बिना सोचे समझे वह भागने लगा। 13 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचते ही गाड़ी ने सीटी बजा दी। सुरजीत ने दौड़कर गाड़ी के सबसे पीछे वाले कंपार्टमेंट में छलांग लगा दी और वह चढ़ गया। रात की लास्ट ट्रेन, दिसंबर का महीना, सर्दी तो कुछ ज्यादा ही थी, इस कारण यात्री कम हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन का पूरा कमरा ही खाली हो। देखते ही सुरजीत का दिल कांप गया। एकदम खाली कंपार्टमेंट। वह आगे पीछे देखने लगा कि अचानक उसे दिखा कि एकदम पीछे वाली खिड़की के पास एक नॉन बंगाली महिला बैठी हुई है, एकदम अकेली। महिला का पहनावा एकदम देहाती था, ऐसा लगता था कि वह बिहार के किसी ग्राम से आई है। ट्रेन चल रही थी और खिड़की से सर सर ठंडी हवा आ रही थी, फिर भी वह महिला हिल नहीं रही थी, अविचल बैठी थी। सूर्यजीत ने सोचा मुझे क्या करना है। वह दूसरे साइड में अपने साइड का खिड़की बंद किया उसने, और वह वहां से न्यूज़पेपर, अपने बैग से न्यूज़पेपर निकालकर पढ़ने लगा। पूरा कमरा खाली। गढ़िया स्टेशन आने से पहले जो रेल ब्रिज पड़ता है, अब ट्रेन उस पर से गुजर रही थी। उस समय सूर्यजीत ने अखबार से मुंह उठाकर एक बार उस महिला को देखा, वह अभी भी वैसी ही बैठी। नरेंद्रपुर स्टेशन और सुनारपुर स्टेशन के बीच में एक कारशेड पड़ता है। इस कारशेड के बीच में से जब ट्रेन रात को गुजरती है, तो अचानक ही ट्रेन के सब कंपार्टमेंट की लाइट झप करके बंद हो जाती है। किसी टेक्निकल कारण के कारण शायद ऐसी व्यवस्था की गई है। जैसे ही सुरजीत के कमरे की लाइट बंद हुई, उसने अखबार साइड में रखा और सामने की तरफ देखा तो बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी। देखा वह महिला अभी भी अपनी सीट पर वैसी ही बैठी थी कि अचानक लाइट जल पड़ी। ये क्या, वह महिला तो वहां पर नहीं बैठी हुई, अचानक कहां गई? गढ़िया स्टेशन से जब ट्रेन चली तो वह वहीं बैठी थी, अभी भी वह अंधेरे में दिखाई दे रही थी, अब कहां गई? ट्रेन तो कहीं रुकी नहीं। सोचते सोचते अचानक वह उठकर के वह महिला को देखने लगा कि उसने देखा कि वह दूसरी कमरे के दूसरी तरफ साइड की जमीन पर गुड़ी मुड़ी होकर बैठी हुई है। निश्चिंत हुआ सूजी, शायद ठंड लगने के कारण वह नीचे बैठ गई हो। वापस आकर वह अपना अखबार फिर से पढ़ने लगा कि अचानक सबसे नीचे छोटी सी खबर पर उसकी निगाह अटक गई। शीर्षक था, आहत के परिवार को क्षतिपूर्ण दिया जाएगा। यह घटना वह जानता था। कुछ दिन पहले इसी लाइन में सूर्यापुर स्टेशन के पास एक बड़ी ही रेल दुर्घटना हुई थी। स्टेशन के दक्षिण में एक छोटा सा रेल ब्रिज है, जिसके नीचे से एक जल निकासी के लिए गहरा नाला है। उसी नाले के पास ईंट की कई भट्टियां हैं। इन ईंट की भट्टियों में बिहार तथा आदिवासी गरीब मजदूर परिवार सहित काम करते हैं। बहुत से ठेकेदार ला करके यहाँ पे ठेके पे काम करवाते हैं मजदूरों से। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार कई मजदूरों को काम के लिए बिहार से लाया था। संघ में मजदूरों के परिवार वाले भी थे, जिसमें महिला और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। उस दिन वो सब लोग लास्ट ट्रेन से ही सूर्यापुर स्टेशन उतरे थे। स्टेशन पर ही चाय की दुकान के आसपास बैठकर सब इंतजार कर रहे थे कि सवेरा होते ही ईंट भट्टी पर जाएंगे ठेकेदार के साथ। और सवेरा होते ही हुआ भी, ठेकेदार आया और उन लोगों को ईंट भट्टी पर ले जाने के लगा। उस दिन ठंड के कारण बहुत कोहरा छाया हुआ था। वो सब जब रेल के ब्रिज से होकर क्रॉस कर रहे थे, ठीक उसी समय लोखीकांतपुर अप वहां से गुजरी। रेल ब्रिज के ऊपर खाली ट्रेन की पटरी है, आसपास कहीं खड़े रहने लायक जगह नहीं है। कोहरे के कारण ना तो ट्रेन ड्राइवर को कुछ समझ आया और ना ही मजदूरों को।
कि इससे पहले ही ट्रेन उन पर से गुजर गई। बहुत सी आवाजें हुई, चीखे चिल्लाए, मजदूरों की आवाजें, छोटे बच्चों की आवाजें। मजदूर संभलने भी ना पाए थे कि अचानक ट्रेन गुजर गई, और कुछ मजदूर संभले भी तो वो लोग नाले में गिर पड़े। चंद सेकंड में सब कुछ खत्म। यही सूचना आज अखबार में दी गई थी क्षतिपूरण की। ट्रेन अभी भी चल रही थी। बरेईपुर आ गया, इसके बाद आएगा सूर्यपुर, वही शापित सूर्यपुर स्टेशन। जैसे ही गाड़ी सूर्यपुर स्टेशन से चली, वो महिला हठात रोती हुई उठी और चिल्लाने लगी। रोना था वो। ये क्या, ये महिला यहाँ, ये क्या, ये महिला क्या उन लोगों की रिश्तेदार है, उन मजदूरों की? उन मजदूरों में से बच्चों में किसी का नाम लक्ष्मिया था क्या? और यह क्या उसकी माँ है? शायद खबर मिलने पर आ जाइयो। सूर्यजी सोचते हुए उसी को देखने लगा। अरे यह क्या, रुको रुको बहन, रुको, पकड़ो, रुको। और सुरजीत की आंखों के सामने उस महिला ने रेल ओवरब्रिज से क्रॉस करते हुए उसी वक्त ट्रेन से छलांग लगा दी। सुरजीत उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा और बाहर झांकने लगा कि शायद वह लटकी हुई या नाले के पानी में गिरी हो। पर ना तो लटकी हुई दिखाई दी, ना नाले के पानी में गिरने की कोई आवाज आई। सब कुछ शांत शांत, ट्रेन वैसे ही चल रही थी, सब कुछ शांत था, शांत।